रामपुर टाउन है ये, इतना प्यारा लग रहा है। पहाड़ों पर तो हर टाउन इतना प्यारा लगता है, और इसके नीचे बह रही है सतलज रिवर। तो ये फर्स्ट चेक पोस्ट है जहाँ पर गाड़ी की एंट्री होती है। पहुंच चुके हैं चितकुल, ये है ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट पे, और ये है इंडिया का लास्ट विलेज। इतनी जबरदस्त वाली ठंड है यहाँ पर, हाथ मेरे हो रहे हैं सुन, और अभी हमको करना है लंच तैयार, टाइम भी काफी लेट हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं कुमारसेन और रामपुर बुशहर के बीच में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, हम जा रहे हैं स्पीति वैली, और कल रात को हम रुके थे होम स्टे के अंदर। आज है डे 3, आज हम जाने वाले हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पर, जो कि होने वाली है सांगला या चितकुल के आसपास। वो आपको वहाँ पहुँच कर बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं, कल शिमला के अंदर हमारे जो साथ में कज़न, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको माउंटेन सिकनेस हो गया था, तो इसलिए कल कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाए शिमला के बाद में, और डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए थे और होम स्टे हमने ले लिया। हमारा जो प्लान था वो गाड़ी में रुकने का ही था। अभी यहाँ से निकलेंगे नहा धो के, फिर आपको बताएंगे आगे चलकर। देखिए जी, अभी ये सो रहा है। भाई तबीयत सही है? ठीक है ना? हम रुके थे प्यारे से होम स्टे के अंदर। ये हमारा एक बेड है, और इधर वॉशरूम है, और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, बाहर बह रही है सतलुज रिवर। ये वाली जो रिवर कहलाती है सतलुज रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है, और ये करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। अभी हम हो गए हैं रेडी नहा धो के। फ्रेश होने के बाद में एक अच्छी फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पे हमारा जो स्टे होम स्टे लिया था हमने, बहुत ही अच्छा था, मतलब नॉमिनल रेट में लिया था, और उसके बाद में जो इसका कंफर्ट था बहुत अच्छा था। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे की सफ़र के लिए। बैग हमारे पैक हो चुके हैं, ये देखिए, और अपने सामान तो नहीं रहा ना कोई नहीं। चलो चलते हैं आगे। गाइस, हम इस चौहान होम स्टे में रुके थे, अभी हम निकल रहे हैं आगे। ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है रामपुर बुशहर की तरफ। देखिए जी, होम स्टे से हम निकल चुके हैं, और रामपुर यहाँ से 17 किलोमीटर बचा हुआ है। तो रामपुर जो है, पता है रामपुर के राजा कौन थे? नहीं है भाई? नहीं तो रामपुर के राजा थे आदित्य विक्रम सिंह। कल भाई की तबीयत खराब हो गई थी, माउंटेन सिकनेस हो गया था इसको, तो अब यही होता है, रेगुलर ये ट्रैवल नहीं करता है। हम तो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, तो हमको ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और तो कल इसको दवाई वगैरह दी थी रात को, इसलिए होम स्टे में हम रुक गए थे। तो अब इसकी तबीयत सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट, अब बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल। तो अब परफेक्ट ही होनी चाहिए, तभी आगे मजा आएगा, नहीं तो आगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि गाइस, हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं ना, वो बहुत ही मतलब टफ लोकेशन बोल सकते हैं उनको। अब ये देखिए, धीरे धीरे नज़ारे बदल गए हैं। शिमला से आगे आने के बाद में जो घाटियों का व्यू है वो चेंज हो जाता है। जब से हम आए ना इस ट्रिप पर, तब से भजन 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 चल रहा है, मतलब मैं तो गाने सुने ही नहीं। मैं पंजाबी गाने खूब सुनता हूँ, मैंने इस ट्रिप में है ना अभी तक एक भी पंजाबी गाना नहीं सुना, दो दिन के अंदर है ना। हाँ, बस दो पांच गाने सुने थे बीच में जब से हम अजमेर से आए। ये देखिए जी, यहाँ रामपुर के पास में कितनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति दिखी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये महर्षि मंदिनी महालक्ष्मी मंदिर है रामपुर के अंदर, उसके अंदर ही ये हनुमान जी की मूर्ति है, विशाल मूर्ति, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये लोकेशन पे सही बनी हुई है, इसके नीचे सतलज रिवर है। देखिए, पहाड़ों का जो शेप है वो भी चेंज होने लग गया है धीरे धीरे, तो ऐसे ही हमें पत्थर के मिट्टी के पहाड़ देखेंगे आगे। ये है रामपुर टाउन है ये, इतना प्यारा लग रहा है। पहाड़ों पर तो हर टाउन इतना प्यारा लगता है, और इसके नीचे बह रही है सतलज रिवर।
और ऊपर देखोगे आप तो बिल्कुल लाइन से घर बने हुए हैं। जैसे आप हिमाचल के अंदर आते हो ना, तो आपको एक ट्रेडिशनल चीज जरूर देखने को मिलेगी, वो है राउंड इनकी जो हिमाचली कैप होती है ना, वो ये देखिए आप, इन्होंने भी लगा रखी है। तो ये जो भी पुराने जैसे लोग है सब लगाते हैं हिमाचली कैप। हमारे राजस्थान में साफा नहीं लगाते? मैं यही कह रहा था, हमारे राजस्थान में साफा लगाते हैं और जो बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं जो अभी भी लगाते हैं, तो सेम उसी पैटर्न को यहाँ पे ही फॉलो करते हैं, ये कैप लगाते हैं। सबकी एक अलग वेशभूषा होती है भाई। एक बात बताऊं क्या? क्या यार, हिमाचल से ना प्यार हो गया प्यार। यहीं पे एक फ्लैट लेके रह लो। मेरा बस चले, मेरी जॉब अगर हिमाचल में होती ना तो मैं हिमाचल ही रहता, जाता ही नहीं मैं कहीं। मैं हर दूसरे महीने हिमाचल आ रहा हूँ। देखो है ना, जिसके बिजनेस होते हैं या जिसको घूमने का शौक होता है, जो फुल टाइम ट्रैवलर होता है या जिसको घूमने का शौक होता है, वो तो आता ही है, लेकिन जो जॉब में है ठीक है और वो राजस्थान से दूसरे महीने यहाँ आ रहा है, तो कोई ना कोई तो बात है, हिमाचल में कोई ना कोई तो बात है। तो अभी लगी है हमको थोड़ी सी भूख, तो अभी हम अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम रामपुर के पास में ही हैं, चितकुल सांगला तक पहुँचने तक टाइम लग जाएगा, करीब 2:30 बज जाएगी, तो फिर वहाँ जाके लंच बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट हम यहाँ कर लेते ताकि हम फटाफट यहाँ से निकल जाए और आगे अपनी कैंपिंग लोकेशन पर टाइम से पहुँच जाए। इसलिए हमने अभी फ़िलहाल तो 2 पराठे और 2 चाय ऑर्डर करी है। देखिए जी, ये हमारे पराठा है और चाय आ गई है। नेस्कैफे के कप के अंदर चाय लेके आए हैं ये, वो पराठों की कटिंग करके लेके आए हैं। ले भैया, पराठे तो अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा भाई को, मतलब सर्विस भी ढीली थी उसकी। तो ऐसा होता है कई बार कि आपको जो आपके हिसाब से कई चीज़ें मिलती नहीं है, आज वैसा ही हुआ। वाह यार, क्या लोकेशन है, लोकेशन देखिए, लोकेशन रोड के दोनों साइड में पेड़ है लंबे लंबे, और इससे जो लोकेशन बन रही है बहुत ही ऑसम लग रही है। अभी हम रुके हैं एक रास्ते के बीच में, और यहाँ पे आप व्यू देखोगे तो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के पहाड़ देखोगे तो शिमला से थोड़े से अलग मिलेंगे, शिमला नारकंडा की साइड से थोड़े से पहाड़ यहाँ के अलग दिखेंगे, थोड़ी सी हरियाली गायब सी हो रही है। तो जैसे जैसे काजा की तरफ जाएंगे तो मिट्टी के पहाड़ आने लग जाएंगे। तो ये देखिए, किन्नौर जिले के अंदर हम आ गए, शिमला से किन्नौर जिले के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट चेक पोस्ट है जहाँ पर गाड़ी की एंट्री होती है, आपको एड्रेस वगैरह लिखवाना पड़ता है, इसके बाद में आगे जाने देते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चितकुल के लिए। आप अगर स्पीति आ रहे हो और ऐसी जगह रुककर आपने फोटो नहीं खिंचवाई तो आपका ट्रिप थोड़ा सा अधूरा रहता है। यहाँ का फील लेने के लिए हम थोड़ा सा पैदल पैदल वॉक कर रहे हैं। कटिंग करी, कितनी मेहनत करी है ये देखिए आप यार गाइस, व्यू देखिए खतरनाक, बिल्कुल पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया हुआ है जो इतना प्यारा लग रहा है। चितकुल दिखा रहा है 42 किलोमीटर और रिकोंगपियू सीधा है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम काजा की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी जाएंगे सांगला। चितकुल सांगला यहाँ से 18 किलोमीटर है, चितकुल है 42 किलोमीटर।
यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न। डेंजरस रोड है ये, बिल्कुल पतला नैरो रोड है, सिंगल रोड है। यहाँ से सांगला 11 किलोमीटर बचा हुआ है। साइकिल वाले को देख सैल्यूट है यार, ये कहाँ से साइकिलिंग करके आ रहे हैं। इतनी हाइट पर भी अपन जैसे गाड़ी को लेके आ रहे हैं तो भी थक रहे हैं, ये तो साइकिलिंग करके आ रहे हैं यार इतनी दूर तक। भैया हाय, कहाँ से आ रहे हो? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से? हाँ जी। साइकिलिंग पे? हाँ जी। भैया कितना टाइम हो गया? जी हम साइकिलिंग स्टार्ट किया दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से इधर आया। अच्छा, दिल्ली से साइकिलिंग पे। अच्छा, वो पीछे वाले भाई साहब भी आपके साथ ही है? हाँ, मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा यार, आप काफी लंबा कर लेते हो। कितना टाइम लग गया होगा दिल्ली से यहाँ पे? आई गेस 16-17 डेज। अच्छा अच्छा। अभी हम पहुँचने वाले हैं चितकुल। चितकुल से 5 किलोमीटर पहले हैं, और सांगला से चितकुल का जो रोड है बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन में है, आप बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल ऑफ रोड से भी टूटा फूटा रोड है, बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी चलते हैं, 5 किलोमीटर और बचा हुआ है, शायद तक हमको 20-21 मिनट और लग जाएंगे। आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं, व्यू बहुत औसम है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए आप, स्नो माउंटेंस है चारों तरफ, स्नो माउंटेंस, और छोटा मोटा नहीं, तगड़ा वाला स्नो माउंटेंस। ये देखो आप, ये देखो आप, देखो भाई चितकुल जो आना चाहता है वो एक बार रोड देख लो कैसे रोड है, फिर अगली बार आप आओ तो आपकी मर्जी है। बहुत खतरनाक रोड है यार, बहुत ही मतलब हालत इतनी बुरी हो रही है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि यार हम आ तो गए, वो जल्दी से चितकुल आ जाए, मगर आ नहीं रहा चितकुल। 10 से ऊपर गाड़ी नहीं चल रही है। सांगला से जो चितकुल का रास्ता है ना, केवल उसी रास्ते ने तक आया है, बाकी रास्ता तो सही था, बाकी रास्ता अच्छा था। सांगला से चितकुल का रास्ता तो बहुत माशा अल्लाह है। ये देखो आप, बिल्कुल टूटा फूटा रोड है, रोड तो बोल ही नहीं सकते इसको किसी भी एंगल से, बस व्यूज बहुत अच्छे हैं। पंडित जी बताओ कैसा है फील हो रहा है आपको? ऐसा फील हो रहा है कि अपन कल तक तो पहुंच ही जाएंगे वहां पे। क्या गजब की लोकेशन है यार, मजा आ गया भैया ये देख के। इस लोकेशन को पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बस। बड़ी मशक्कत के बाद में ये देखिए हम पहुंच चुके हैं चितकुल। ये है ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट पे, और ये है इंडिया का लास्ट विलेज। अभी तो पूरा वाइट हो रखा है, ये आप देख रहे हो। ये इतनी मशक्कत जो हम कर रहे हैं ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि वो रिवर के पास तक हमें जगह मिल जाए। रिवर के पास में व्यू अलग है, अच्छा व्यू है, बिल्कुल स्नो के बीच में आ जाएंगे हम। तो अभी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक चली जाए। गाड़ी स्टिप, बिल्कुल स्टिप ढलान है, तो बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं यहाँ पर। तो साथियों अभी हम आ चुके हैं चितकुल में, ये पास में है रिवर। अभी यहाँ पे कैंप्स भी होते हैं, ये देखोगे आप तो ये कैंप्स है, और ये इधर भी सारे कैंप्स लगते हैं। लेकिन अभी है विंटर का टाइम, विंटर के अंदर सारे कैंप्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। यहाँ पर जो कैंप्स ओपन होंगे वो मई के अंदर होंगे। तो अभी जो नीचे मैंने बात करी थी यहाँ पे लोकल से, वो बोल रहे हैं अभी कुछ भी नहीं खुला हुआ है, सब पैक है। अभी फ़िलहाल हम अपना दिन का लंच तैयार करते हैं अपनी कैंपर वैन में। भाई अभी अपना सारा सामान जो है वो आगे सेट कर रहा है, फिर उसके बाद में हम अपना किचन खोलेंगे और आज दिन का लंच बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त वाली ठंड है यहाँ पर, हाथ मेरे हो रहे हैं सुन, और अभी हमको करना है लंच तैयार। टाइम भी काफ़ी लेट हो गया है, करीब 3:30-4 बज रहे हैं, और पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा होता है आपको पता ही है। ऑलरेडी हम टाइम से बहुत लेट है, क्योंकि सांगला से चितकुल का जो रास्ता है 30 किलोमीटर का, वो इतना बकवास है, इतना बकवास है। हम सांगला पहुंच गए थे करीब 1:30 बजे, और अभी चितकुल में पहुंचे 3:30 बजे। तो आप देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है, और अभी हमको लंच भी बनाना है, इसके बाद में हमें यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है वो हम आपको थोड़ी देर में बता ही देंगे।
अभी अपन लंच करते हैं तैयार, जिसके अंदर मैंने ये सोचा है कि अपन बनाते हैं चावल, क्योंकि जो चावल है ना वो 5-7 मिनट में बन जाएंगे, ठीक है, उबालना ही है उसको। और साथ में मैं रेडी टू ईट वाली दाल लेके आया हूँ, दाल मखनी, तो चावल और दाल मखनी क्या बोलते हो? मजा आएगा ना, तो तैयार करें। तो पहले तो ये बता दो कि ये जैकेट कैसी लग रही है मेरे ऊपर, क्योंकि आज मैं पूरा पैक पैक लग रहा हूँ, मुझे कानों में कोई ठंड नहीं लग रही, लेकिन हाथों में जरूर मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, हाथों में जबरदस्त ठंड है। अभी मैंने ग्लव्स निकाले नहीं है, अभी फिलहाल किचन अपन ओपन करते हैं। ये देखिए जी, हमने अपना पैक किया फोल्ड और ये हमारा किचन ओपन। केवल 1-2 सेकेंड लगते हैं किचन ओपन होने में, बस अपना किचन हो गया ओपन। ये देखिए जी, हमने अभी फिलहाल एक प्याज काट दिया है इसके अंदर, चावल के अंदर। सबसे पहले प्याज फ्राई करके डालेंगे, फिर चावल बनाएंगे, और इसके अंदर हम अपनी सब्जी जो है दाल मखनी है वो गरम करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही टफ सिचुएशन है जहाँ हम कुकिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में देखो, हवा इतनी तेज चल रही है, आपको आइडिया लग जाएगा, ये जो फ्लेम है ये हमको अंदर करना पड़ा है इसको, ये बाहर आता है, लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसके लिए हमने इसको थोड़ा अंदर कर दिया। थोड़ा सा अंदर करने से क्या है, ये वाला जो बर्नर है वो अंदर चला गया है, अब इसमें थोड़ी सी आँच सही आ रही है। भाई हम काफ़ी लेट हो गए, आपको पता ही है पहले से, अभी करीब 4 बज रही है और इस टाइम पे हम लंच कर रहे हैं, तो ये मत बोल देना कमेंट्स के अंदर कि भाई 4-5 बजे लंच कौन करता है। भाई बात ऐसी है कि हम आ गए थे सांगला 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे के बीच में आ गए थे, लेकिन उसके बाद में रोड काफ़ी बेकार था, तो हमको यहाँ आते आते 4 बज गई है। नहीं, ये कुकर चढ़ा दिया है, ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। तो इधर तो हमने ऑयल चढ़ा दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए गर्म होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, मगर ये हो जाएगा गरम। और इधर ये हमने कटोरी चावल बनाएंगे, और ये रेडी टू ईट वाली दाल मखनी है, जिसको केवल ये गर्म पानी कर रहे हैं, इसी के अंदर केवल इसका पाउच निकाल के डालना है, गर्म करना है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा तेल हो गया है गर्म, ये हमने इसमें डाल दिया है जीरा, ये देखिए ऑयल आ गया है। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। हाँ, बढ़िया खुशबू आ रही है, आ रही है बढ़िया खुशबू, हाँ अभी आएगी भाई आएगी। तो ये देखिए जी, ये हमारे चावल हमने डाल दिए हैं इसके अंदर, नमक वगैरह भी डाल दिया, अब इस पे बस ढक्कन लगा देते हैं, 5 मिनट में चावल तैयार हो जाएंगे। हमने अपना पानी का कैंपर सेट किया है, हम 20 लीटर का पानी लेके आए थे, और भी हमारे पास 20 लीटर एक्स्ट्रा बैग है पानी के, तो पानी की हमें कोई कमी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे चल रही है हमारी कुकिंग, और ये क्या व्यू है यार, और वहाँ पे उस साइड में है रिवर, अभी फ़िलहाल रिवर पर भी जाएंगे, खाना वगैरह बन जाता है। तो चावल हमारे रेडी है, अब जल्दी से सर्व कर लेते हैं, क्योंकि भयंकर वाली लग रही है भूख। अरे वाह यार, चावल देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और इधर के बाद में पता लगेगा कैसे बनाया राजभाई ने। देखिए जी, ये हमारी दाल मखनी भी रेडी है, गर्म हो चुकी है, सारा कचरा जो है वो हम साथ में लेके जाएंगे, और ये देखिए गर्मा गर्म दाल मखनी पहले इस पे डालेंगे। आहा भाई, तो अपनी प्लेट लेके स्नो में ही जा रहा है, क्या स्नो में बैठ के ही खाओगे क्या ऊपर? देखिए भाई, यहाँ देखो, हमने अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी है, और इस जो जगह है यहाँ पर कोई नहीं है, ये रेस्टोरेंट होता है पीछे, आप जो देख रहे हो ये बंद हो चुका है, ये बंद है अभी फिलहाल, विंटर्स के कारण बंद है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैंप्स लगते हैं, ये लगेंगे मई जून के अंदर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इसकी जो दाल मखनी है ना वो यार ऑसम है यार, मजा आ गया दाल मखनी के अंदर, और जो चावल मिक्स की है, और दाल मखनी बिल्कुल रियल टेस्ट आ रहा है। अभी हमारा लंच हो चुका है, और अभी थोड़ा वॉक करने आए हैं हम, इधर रिवर है, इधर वॉक कर लेते हैं थोड़ा, और आपको रिवर की व्यू दिखा देते हैं। और ये देखिए आप, ये है वो रिवर, यहाँ पे मैंने बहुत जनों की रील्स देखी है, और कितनी अच्छी लग रही है, मतलब दोनों साइड में स्नो हो और बीच में रिवर बह रही हो, तो बहुत ही औसम नज़ारे यहाँ के,
और ये इंडियन फ्लैग। विंटर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए विंटर की क्या हालत है यहाँ पे, मतलब चारों तरफ स्नो ही है स्नो है और अभी सब कुछ बंद है सब कुछ। अगर आपको अभी यहाँ पे आना है तो आपको ऊपर जो होम स्टे बने हुए हैं, ऊपर आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं, वहीं पे आपको रूम वगैरह मिल सकता है। रिवर साइड में जो भी कैंप्स है वो सब बंद है, तो रिवर साइड में अभी कैंप नहीं खुले, मई जून में खुलेंगे। हमारा प्लान था कि यहीं पे गाड़ी पार्क करें और यहीं पे रुके रात को, लेकिन थोड़ा सा मन में अजीब सा लग रहा है क्योंकि इस बार हम सोलो ट्रिप पर आए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड ही है, कोई भी नहीं है हमारे साथ। यहाँ पे मैंने लोकल से बात करी थी, वो बोल रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं होगी, तो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा सेफ प्लेस के अंदर गाड़ी ले जाएं और वहाँ पे जाके आप भले ही होम स्टे के बाहर गाड़ी में रुक सकते हो। अभी यहाँ पे हमको मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की अमूमन क्या होता है, गाड़ी की बैटरी जो होती है ना वो जल्दी ड्रेन होती है। यहाँ से ऊपर जाके जो 1 किलोमीटर ऊपर होम स्टे बने हुए हैं उनके बाहर ही अपनी गाड़ी लगाएंगे और वॉशरूम जो है वो वैसे इजीली अवेलेबल हो जाएगा होम स्टे का, तो होम स्टे का जो हम वॉशरूम है वो एक्सेस कर लेंगे। तो फिलहाल रुकेंगे हम चितकुल में ही। पहली बार सोलो आया हूँ स्नो में, तो थोड़ा सा वो रहता है ना कि भाई अगर बाई चांस कुछ होता है तो मेरे पास बैकअप नहीं है इस बार, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं ऊपर ले जाऊँगा और वहाँ पे जो होम स्टे है उसके बाहर आसपास जो लोकेशन मिलेगी वहाँ पे लगा के वहीं पे अपनी गाड़ी में सोएंगे आज। तो बर्तन वगैरह हमने सारे धो दिए हैं, अब इनको पहुँच के बस इनको पहुँच के अंदर रखना है। देखिए ये देखिए ये गए हमारे सारे बर्तन अंदर। अब फिलहाल हम बेड को सेट कर लेते हैं। ये लो जी ये हमारा बेड सेट हो गया। आपको एक बात बता दें, हम जिस लोकेशन पर हैं वहाँ पर रात को सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको आपके पास बैकअप रहता है, आप मतलब वो चीज़ भी कर लेते हो जो आप अकेले में नहीं कर सकते। अभी हम फिलहाल एक ही गाड़ी है और इसकी बैटरी जो है ना उस पर मैं बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि ठंड में इसकी बैटरी बहुत जल्दी बैठती है, तो अभी हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बता रहे हैं रात को यहाँ पे -12-13 डिग्री जाने वाला है टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और होपफुली ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स प्लीज़ करते रहा करो, कमेंट्स करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें आइडिया लगता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ हम सुधार पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।